दोस्तों जब से अग्निपथ भर्ती शुरू हुई है तब से अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों का सवाल था कि क्या अग्निपथ भर्ती में एग्जाम होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, अगर एग्जाम नहीं होगा तो क्या डायरेक्ट भर्ती होगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों अग्निपथ की भर्ती 4 स्टेप्स में पूरी की जाएगी। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर वहीं पर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद सिलेक्ट कैंडिडेट का वहीं पर मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जिन्हें चुना जाएगा उनकी बाद में लिखित परीक्षा होगी, जिसके बारे में उन कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से उन्हें सूचना दी जाएगी। तो ये होगा अग्निवीर बनने का प्रोसेस। और अब आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि हाँ अग्निपथ भर्ती में लिखित परीक्षा होगी और वह देनी भी पड़ेगी। तो अब लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? तो दोस्तों अलग अलग पदों के हिसाब से सभी का सिलेबस और पैटर्न अलग अलग होगा। जैसे अग्निवीर जीडी के लिए जनरल नॉलेज के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 40 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 20 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह अग्निवीर जीडी के एग्जाम में 100 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें पास होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। और अग्निवीर टेक्निकल के एग्जाम में जनरल नॉलेज के 20 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 30 नंबर के 15 प्रश्न, फिजिक्स के 30 नंबर के 15 प्रश्न और केमिस्ट्री के भी 20 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह इस एग्जाम में भी 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पास होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के एग्जाम पेपर में 2 पार्ट दिए गए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के 20 नंबर के 5 प्रश्न, जनरल साइंस के 20 नंबर के 5 प्रश्न, मैथ के 40 नंबर के 10 प्रश्न और कंप्यूटर साइंस के 20 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश के 100 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के एग्जाम में टोटल 200 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कैंडिडेट को इसमें पास होने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अलग अलग 32-32 नंबर लाने होंगे। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास और 10वीं पास दोनों का एग्जाम पैटर्न समान है और समान विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस 10वीं पास वालों के लिए 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे और 8वीं पास वालों के लिए 8वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके एग्जाम में जनरल नॉलेज के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर के 5 प्रश्न, जनरल साइंस के 30 नंबर के 15 प्रश्न और मैथ के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह इस एग्जाम में 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पास होने के लिए कम से कम 32 नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से सभी अलग अलग पदों के लिए एग्जाम पैटर्न रहेगा। कॉलेज के सिलेबस में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, खेल, पुरस्कार, शब्दावली, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार और खोज, भारत का संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, वर्तमान महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही यूएनओ के भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संस्थान और अनुसंधान स्टेशन, भारत और विश्व के त्यौहार, भारतीय समाचार एजेंसियां और दैनिक समाचार पत्र, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार और खोज, पर्यावरण, भारत का संविधान, धार्मिक समुदाय और प्रमुख भाषाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किताबें और लेखक, पौधों और जानवरों की दुनिया, करंट अफेयर्स आदि टॉपिक से संबंधित प्रश्न जनरल नॉलेज विषय के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और गणित विषय के अंतर्गत अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स, एनालिटिक जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिक्स, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, मेंसुरेशन, एरिया वैल्यू एंड सरफेस एरिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, यूनिट्स ऑफ मेमोरी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, माइक्रोफोन, ओसीआर, एमआईसीआर, लाइट फैन, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर से संबंधित प्रश्न आएंगे। और इसके साथ ही एमएस विंडोज, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में ग्रामर जिसमें आर्टिकल, नाउन,
एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल्स, वर्ब्स, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, इडम्स एंड फ्रेप्स, सिनोनम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आदि विषयों से प्रश्न आएंगे। फिजिक्स में भौतिक गुण और पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दबाव बैरोमीटर, वस्तुओं की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति के नियम, बल और गति, बलों का समांतर चतुर्भुज स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण कार्य के प्रारंभिक विचार, शक्ति और ऊर्जा, उष्मा और उसके प्रभाव, ध्वनि तरंगे और उनके गुण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलाकार दर्पण और लेंस, चुंबक के प्रकार और गुण, स्थिर और वर्तमान बिजली, कंडक्टर और गैर चालक, ओम कानून, सरल विद्युत सर्किट, ताप आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तत्व, मिश्रण और यौगिक, प्रतीक, सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण, रासायनिक संयोजन का नियम, वायु और पानी के गुण, ऑक्सीकरण और कमी, एसिड, क्षार और लवण, कार्बन और इसके रूप, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक, परमाणु की संरचना के बारे में प्राथमिक विचार, परमाणु समतुल्य और आणविक भार, संयोजकता, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी और गुण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में बेसिक बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ह्यूमन बींग, द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, फूड एंड हेल्थ, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस, फूड यील्ड, एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, साइकिल्स ऑफ मटेरियल्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, लिविंग रिसोर्सेज, हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म एडेप्शन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में वर्ल्ड रिलेशन, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूब्स एंड क्यूबोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, डायरेक्शन, एम्बेडेड इमेज, इनपुट आउटपुट, पिक्चर्स सीरीज एंड सिक्वेंस, पेपर फोल्डिंग, पजल्स, पैटर्न सीरीज एंड सिक्वेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, शेप्स कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड प्रिवेंशन, विटामिन्स एंड दियर यूजेस, मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।